वैसे देखा जाए तो संविधान के अकॉर्डिंग ये पुलिस ने अत्याचार ही कर रही है लोगों पर, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान हमें ये आज़ादी देता है राइट टू स्पीच, और यदि कोई आदमी किसी कानून के विरोध में कुछ कहना चाहता है तो सरकार पुलिस का दुरुपयोग करके उसको बोलने से रोक देती है, उसको धरना प्रदर्शन से रोक देती है। महिलाएं हमारी धरना प्रदर्शन में आई हैं, उन महिलाओं को पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती उठाया, गाड़ी में बिठाया और लोगों को बस में, डीटीसी बस में बिठाया और पार्लियामेंट जो थाना है वहाँ पर ले जाकर बंद कर दिया, जबकि उन्होंने कोई ऐसी गतिविधि नहीं की जो उनको पुलिस बलपूर्वक उठाए, क्योंकि उन्होंने वो शांतिपूर्वक, हमारा भारतीय संविधान हमको आज़ादी देता है कि हम अपनी बात रख सकें और संविधान के अनुसार हम जो है सभाएं कर सकें, मार्च निकाल सकें। जब हम वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुँचे तो 1 किलोमीटर पहले से ही पुलिस ने हमको बलपूर्वक उठा लिया वहाँ से और सबको उठा के बस के द्वारा थाने में ले जाके बंद कर दिया, जबकि इन लोगों का कोई दोष नहीं था। ये लोग केवल अपनी बात कह रहे थे और अपने नारे लगा रहे थे और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाना चाहते थे कि सरकार जाग जाए और दलितों पर अत्याचार ना करे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 1989 में ऐसे एक्ट बनाया है उसका इन्होंने दुरुपयोग किया है, उसको इन्होंने निष्क्रिय कर दिया है, जिससे अभी मनुवादी लोग ज़्यादा से ज़्यादा दलित लोगों पर अत्याचार करेंगे और देश में हाहाकार मचेगा, जिससे कि लोगों में भाईचारे की भावना ख़त्म हो जाएगी। इस एक्ट को बनाने का बाबा साहब का उद्देश्य यही था कि हम देश में भाईचारा लागू कर सकें, और भाईचारा लागू करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, और कोई किसी को अपशब्द ना कहे, कोई गंदे शब्दों से संबोधित ना करे किसी को। तो वकील साहब आप एडवोकेट हैं, तो इस जो एक्ट इन्होंने इसमें संशोधन करा है, इसमें अब क्या हो सकता है? इसके लिए प्रीव्यू डालना चाहिए पहले तो, कि कानून कोई भी, वैसे कोर्ट का जो काम मेन काम है वो किसी भी समीक्षा करना होता है कानून का, ना कि उसको लागू करना, ना ही उसमें कोई काट छांट करना। ये काम संसद का है, संसद में कोई भी कानून बनती है उसकी समीक्षा करे, यदि गलत है तो केवल अपनी सलाह दे सकता है, सरकार के लिए सलाह दे सकता है कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो बहुत गलत किया है, यहाँ पे तो इन्होंने खुद ही कानून को डिलीट कर दिया है और लोगों में मतलब कि एक भय पैदा कर दिया है। अब मनुवादी जो लोग हैं उनका एक उनको आज़ादी मिल गई है, वो लोगों का मिसयूज करेंगे, उनको गालियाँ देंगे, उनको जाति सूचक शब्दों से संबोधित करेंगे जैसे पहले क्या करते थे। इससे आपसी जो मतभेद क्रिएट होगा और देश में दंगे फसाद होने की चांसेस बन जाएंगे। वकील साहब, बाबा साहब ने कहा था जिस समाज के अंदर 20 वकील, 20 इंजीनियर और 20 डॉक्टर होंगे उस समाज का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है, लेकिन आज तो लाखों वकील हैं, लाखों इंजीनियर हैं, लाखों डॉक्टर हैं, लेकिन आज आप लोगों की भी तो कोई भूमिका बनती है, तो इस तरीके के संशोधन कर रहे हैं तो आप लोग चुप क्यों हैं? आप लोग क्यों नहीं मतलब इस तरीके की कोई रास्ता अपना दे? नहीं नहीं, हम लोग लोगों के साथ हैं और अभी हम लोगों की आवाज़ बनने हैं, धीरे धीरे हमारा मूवमेंट आगे बढ़ेगा, अभी हमारा समाज सो रहा है, धीरे धीरे हम लोग उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जब समाज सो नहीं रहा है, वो बाबा साहब के समय में भी समाज सो रहा था, लेकिन अकेले बाबा साहब ने जो अकेले थे वो उन्होंने करोड़ों लोगों के दुख दर्द को धो दिया, लेकिन आज करोड़ों लोग उनकी बातों पे नहीं चल रहे हैं और अपना अपमान कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हो कि बाबा साहब अंबेडकर जब निकले थे तो अकेले ही निकले थे, उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है, लेकिन आज कुछ दलित भाई जागे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर सोचने के लिए मजबूर करेंगे, और दलित भाई ये चाहते हैं कि सब एकजुट होकर इस कानून को बदला जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लिया है उस आदेश को वापस ले, क्योंकि ये लोगों की भलाई के लिए नहीं है, लोगों में भाईचारे ख़त्म करने के लिए है, और हमारा उद्देश्य यह है कि आपस में भाईचारा बना रहे, ना कि भाईचारा को मिटाया जाए। ऐसे ये कानून जो बनाया गया था, ये अत्याचार निवारण कानून है, इसको लागू रखना चाहिए, और किसी मनुवादी जज ने ये किया है जो कि गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था।